Hello friends, welcome you back once again in Study Battle. So as in the previous video we have discussed a very important topic which is related to the previous year question paper of geologist exam 2021 और इसमें हमने जो जियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में डिस्कस किया था. सो आज के वीडियो में हम जो पेपर टू है जियोलॉजी का उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट और कंपल्सरी क्वेश्चन आपको जो इसमें दिया हुआ है इसके बारे में जो पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सॉलिड सॉल्यूशन एंड एक्सोल्यूशन इन मिनरल्स. सो मिनरल्स में जो सॉलिड सॉल्यूशंस है और जो एक्सोल्यूशन है उनके बारे में आपको बताना है कि सॉलिड सॉल्यूशन क्या है, एक्सोल्यूशन क्या है, उसकी प्रोसेसेस कैसे कैसे हैं, उसमें डिफरेंसेस क्या हैं, सिमिलैरिटीज क्या हैं. सॉरी आपको डिफरेंस के लिए भी और बताना है, सिमिलैरिटीज नहीं बतानी, केवल डिफरेंस आपको बताना है. ऑप्टिक एक्सियल प्लेन ऑफ बाई एक्सियल मिनरल्स. जो बाई एक्सियल मिनरल्स हैं आपके मिनरल्स किस तरह दो टाइप के हैं, यूनि एक्सियल एंड बाई एक्सियल. तो बाई एक्सियल मिनरल्स में आपको जो ऑप्टिक एक्सियल प्लेन है उसके बारे में, जो ऑप्टिकल एक्सिस प्लेन है उसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कि कौन कौन से उसमें डायरेक्शंस हैं, कौन कौन सी रेज हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेज हैं, ऑर्डिनरी रेज हैं, उसकी डायरेक्शन के बारे में आपको बताना है. ये सब आपको यहाँ पे डिस्कस करना है. नेक्स्ट कह रहा है डायनेमिक मेल्टिंग इन मेंटल. जो मेंटल में डायनेमिक मेल्टिंग है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है कि कैसे होती है, किस डेप्थ पे होती है, क्या प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन है, इसके बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस करना है. नेक्स्ट आपका कार्बन 14 डेटिंग से रिलेटेड है. सो कार्बन 14 डेटिंग जो है वो आपको पता है कि कार्बन 12 और 14 का रेशियो होता है, उसी के बेसिस पे कार्बन 14 डेटिंग की जाती है. इसके बारे में आपको बताना है कि किस एज तक के रॉक या मिनरल्स को डेट किया जा सकता है और उसके इम्पॉर्टेंट जो फीचर्स हैं, सॉरी जो उसके इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में आपको बताना है. नेक्स्ट है आपका स्पिनिफेक्स टेक्सचर. सो स्पिनिफेक्स टेक्सचर जो है वो एक तरह की ग्रास होती है. ओके किम्बर आपकी स्पिनिफेक्स टाइप ग्रास होती है, उसी तरह का टेक्सचर होता है जिसमें ओलिविन आपका जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनरल रहता है, ओलिविन का ही जो कंसंट्रेशन है, जो ओलिविन की क्वांटिटी है उसके बारे में ही हम, उसके बेसिस पे हम इसको डिफाइन करते हैं स्पिनिफेक्स टेक्सचर. स्पिनिफेक्स जो है वो एक्चुअली एक तरह की घास है, अमेरिकन घास है, क्योंकि उसी तरह का टेक्सचर जो है वो निडल लाइक आपको दिखता है, इसी वजह से इसका नाम जो है वो स्पिनिफेक्स रख दिया गया है. टोटल एल्कली सिलिका डायग्राम, ये हमने पिछले वीडियो अभी जल्दी ही इस वीडियो को डिस्कस किया था जिसमें टैश डायग्राम के नाम से हमने इसको डिस्कस किया था. तो टोटल एल्कली सिलिका का मतलब है जो सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और एल्कलाइन है उसके दोनों के बीच का जो डायग्राम है, मीन्स कैसे जो उसमें टेम्परेचर और परसेंटेज के बीच पे कैसे उसमें फ्लक्चुएशन होता है, इसके बारे में हमने इस वीडियो को डिस्कस किया था. अल्ट्रा हाई प्रेशर मेटामॉर्फिज्म, सो मेटामॉर्फिज्म आपको डिस्कस करना है वो भी अल्ट्रा हाई प्रेशर की. सो अल्ट्रा हाई प्रेशर में कौन कौन सी आ जाएंगी आपकी, आपकी इसमें आएगी इक्लोगाइड फेसेस. ओके इसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना है. नेक्स्ट है पारफायरोब्लास्ट्स के बारे में डिस्कस करना है. देखिए दो तरह के टर्म्स है, एक है पारफायरोक्लास्ट और एक है पारफायरोब्लास्ट. सो दोनों में डिफरेंशिएशन भी आपको पता होना चाहिए तभी आप एग्जैक्टली डिफाइन कर पाओगे पारफायरोब्लास्ट को. ओके अपेरेंट पोलर वॉन्डरिंग कर्व, इसको हम APW पाथ कहते हैं. अपेरेंट पोलर वॉन्डरिंग पाथ मीन्स पेलियो टाइम में, मीन्स एंशियंट टाइम में या पुराने टाइम में इन द जियोलॉजिकल हिस्ट्री की जो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उनका वॉन्डरिंग कर्व क्या है कि हाउ दे वर मूविंग इन द पास्ट एंड हाउ दे आर मूविंग इन टुमारो. ओके सो ऑन दैट बेसिस अ कर्व इज ड्रॉन विच इज नोन एज अपेरेंट पोलर वॉन्डरिंग कर्व और APW पाथ भी कभी कभी हम इसको कहते हैं या APW कर्व भी कहते हैं. जियोमेट्रिक फिट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, सो हाउ जियोमेट्रिक्स जो कॉन्टिनेंट्स हैं दे आर जियोमेट्रिकली फिट इन विद द एसोसिएशन ऑफ अनदर कॉन्टिनेंट्स. ओके फॉर एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका दैट वॉज पार्ट ऑफ, सॉरी अफ्रीका वॉज समटाइम्स पार्ट ऑफ
ऑस्ट्रेलिया एंड दैट वॉज इंटरकनेक्टेड विद द साउथ कोस्टल ट्रैक्ट ऑफ इंडिया. ओके एंड इन द मीन टाइम द कंट्री इंडिया हैज मूव्ड टूअर्ड द नॉर्थ पोल टूअर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन. ओके सो यू हैव टू डिस्कस दैट हाउ द जियोमेट्रिक फिट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स कॉन्टिनेंट्स का जो जियोमेट्रिकली फिट है जो जियोमेट्रिकली कैसे वो फिट हो जाते हैं एक दूसरे में इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है. नेक्स्ट आपका इग्नियस पेट्रोलॉजी के बारे में है. यू हैव टू डिस्क्राइब द सिमेट्री एलिमेंट्स. ओके सिमेट्री एलिमेंट्स आपको बताना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री ओके एक्सिस ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री इसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना है. एंड फॉर्म्स ऑफ नॉर्मल क्लासेस ऑफ टेट्रागोनल सिस्टम जो टेट्रागोनल सिस्टम की जो नॉर्मल क्लास है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे डिस्कस करना है. इलस्ट्रेट विद नीट स्केचेस द इंटरफेरेंस फिगर्स ऑब्टेन्ड एट अ डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ यूनिएक्सियल मिनरल्स. सो यूनिएक्सियल मिनरल्स पे यू हैव टू डिफरेंशिएट द ओरिएंटेशन ऑफ यूनिएक्सियल मिनरल्स स्केचेस ऑफ इंटरफेरेंस फिगर्स ऑब्टेन्ड. सो इन जो इंटरफेरेंस फिगर हैं दैट हैज बीन ऑब्टेन्ड उसके बारे में आपको डिफरेंट ओरिएंटेशन एंड यूनिएक्सियल मिनरल्स के बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना है. यू हैव ऑल्सो टू एड अ शॉर्ट नोट दैट हाउ इज द ऑप्टिकल साइन ऑफ अल्टीमेट सॉरी द साइन ऑफ ऑप्टिकल ऑप्टिक साइन ऑफ यूनिएक्सियल मिनरल डिटरमाइनिंग यूज इंटरफेरेंस फिगर्स. सो इंटरफेरेंस फिगर्स को हम यूज करके कैसे यूनिएक्सियल मिनरल्स का जो ऑप्टिक साइन है वो डिफाइन करते हैं ये भी आपको यहाँ पे डिस्कस करना है. नेक्स्ट कह रहा है व्हाट आर मिलर इंडिसेस. सो देखिए एक है इंडेक्स सिंबल इंडेक्स सिंबल्स एक है आपका मिलर इंडिसेस. तो मिलर इंडिसेस के बारे में आपको डिस्कस करना है. डिस्कस क्रिस्टल नोटेशन यूजिंग दीज इंडिसेस. जो आपके मिलर इंडिसेस हैं इसको यूज करके क्रिस्टल सिस्टम का जो नोटेशन है उसको आपको बताना है. यू हैव टू ऑल्सो इलस्ट्रेट योर आंसर विथ सुइटेबल स्केचेस एंड एग्जाम्पल्स. सो आपको डिफरेंट सुइटेबल स्केचेस भी ड्रॉ करने हैं और उसके एग्जाम्पल्स के बारे में भी आपको यहाँ पे डिटेल में बताना पड़ेगा. नेक्स्ट कह रहा है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पायरोक्सिन एंड एम्फीबोल ग्रुप ऑफ मिनरल्स. सो जो पायरोक्सिन ग्रुप ऑफ मिनरल्स है और एम्फीबोल मिनरल ग्रुप है इसके बीच में आपको डिफरेंस करना है. ओके कि अपेरेंट डिप सॉरी पायरोक्सिन और एम्फीबोल ग्रुप ऑफ मिनरल्स के बारे में डिस्कस करना है. आपको उसमें जो क्लीवेज है अगर क्लीवेज प्रेजेंट है तो उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो. जो मोस्ट स्ट्राइकिंग प्रॉपर्टी है इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू दैट इज द एक्सटिंक्शन एंगल. एक्सटिंक्शन एंगल के बीच पेज पे हम इस पेज को डिस्कस कर सकते हैं. डिस्क्राइब द क्रिस्टल स्ट्रक्चर फिजिकल प्रॉपर्टीज. डिफाइन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ माइका ग्रुप ऑफ मिनरल्स. एक ना एक फैमिली भी आपको एवरी ईयर एक ना एक फैमिली आपको एग्जाम में आती ही आती है. सो ये तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा अगर आप क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करना चाहते हो तो. और माइका फैमिली में आपको केवल केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ माइक्रा ग्रुप ऑफ सॉरी फिजिकल स्ट्रक्चर और जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज है या केमिकल कॉम्पोजिशन है इन तीनों के बारे में एक शॉर्ट नोट टाइप आपको लिखना है. नेक्स्ट आपकी जो जियोकेमिस्ट्री की यूनिट है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है. डिस्क्राइब गोल्डस्मिथ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. सो जो गोल्डस्मिथ का क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का उसके बारे में आपको डिस्कस करना है. ओके एक्सप्लेन सॉरी एग्जाम्पल फॉर ईच ग्रुप और एवरी ग्रुप के लिए आपको एक एक एग्जाम्पल भी बताना है. डिस्क्राइब द रुबिडियम स्ट्रॉन्शियम मेथड ऑफ डेटिंग ऑफ रॉक्स. सो रुबिडियम स्ट्रॉन्शियम RBSR मेथड जो डेटिंग का है रॉक्स की डेटिंग के लिए उसके बारे में आपको बताना है. गिविंग स्पेशल इम्फोसिस ऑन द अजम्पशंस यूज्ड एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड द यूटिलिटी ऑफ दिस डेटिंग टेक्निक. ओके
सो जो रुबिडियम स्ट्रॉन्शियम डेटिंग मेथड है उसके बारे में आपको अजम्पशंस के बारे में यूज्ड कौन कौन से अजम्पशंस यूज्ड हुए उसके बारे में आपको बताना है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस यूटिलिटी ऑफ दिस डेटिंग टेक्निक इस सब के बारे में आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। वॉट आर द रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जो आर ई एम इसको कहते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में आपको बताना है। हाउ डज कंसंट्रेशन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स चेंज ड्यूरिंग मैग्मेटिक फ्रैक्सीनेशन, जो मैग्मेटिक फ्रैक्सीनेशन की प्रोसेस है उसमें जो कंसंट्रेशन है वो कैसे चेंज होती है। यू हैव टू ड्रॉ द कॉन्ट्राइट नॉर्मलाइज रेयर अर्थ एलिमेंट पैटर्न ऑफ कैल्साइट प्लेजिक्लेस एंड गार्नेट। ओके, सो जो कॉन्ट्राइट नॉर्मलाइज आर ई पैटर्न है वो भी आपको ड्रॉ करना है ऑफ कैल्सिक प्लेजिक्लेस एंड गार्नेट, जो कैल्सिक प्लेजिक्लेस और गार्नेट है इन दोनों के बारे में आपको इसमें बताना है। ब्रीफ अकाउंट ऑफ फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन दैट वी हैव recently discussed the Fick's law of diffusion and another important law which was very important for the exam point of view, that was the Henry's law of diffusion, Henry's law. Okay, so that was we have discussed recently in the playlist of geoscientist exam previous year question paper. You can watch that video, okay, or I will provide the link in the description box from where you can watch that video. And you have also to add the give brief account of Fick's law of diffusion and Rayleigh fractionation law. So Fick's law and Rayleigh fractionation law, both laws you have to discuss. And next question is discuss the mass fractionation of stable isotopes. जो स्टेबल आइसोटोप्स का मास फ्रैक्सीनेशन है उसके बारे में आपको बताना है, एंड स्पेशली ऑफ ऑक्सीजन आइसोटोप्स, जो ऑक्सीजन के स्टेबल आइसोटोप्स हैं उनके मास फ्रैक्सीनेशन के बारे में आपको डिस्कस करना है। एंड यू हैव टू ऑल्सो कमेंट ऑन देयर सिग्निफिकेंस इन जियोलॉजिकल स्टडीज, मीन्स जो फ्रैक्सीनेशन है आइसोटोप स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन, उसके फ्रैक्सीनेशन का जो स्टडीज में जियोलॉजिकल स्टडीज में जो सिग्निफिकेंस है या जो उसका एप्लीकेशन है, मीन्स कैसे हम जियोलॉजिकल फर्दर सिग्निफिकेंस में फर्दर स्टडीज में कैसे हम उसको यूज करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, दैट वी हैव टू डिस्कस इन डिटेल। सो ये जियोकेमिस्ट्री की यूनिट में भी आपको बहुत ज़्यादा उस तरह के क्वेश्चन टफ नहीं थे, बस फ्रैक्सीनेशन लॉ के बारे में अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा होगा तो हो सकता है, अदरवाइज ऑल अदर क्वेश्चन आर डिस्क्रिप्टिव टाइप एंड दैट वॉज वेरी इवेंट टाइप। ओके, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं थे जैसे सिलेबस के हिसाब से है। नेक्स्ट यूनिट आपकी जो है दैट इज ऑफ इग्नियस पेट्रोलॉजी, एंड यू हैव टू फर्स्टली यू हैव टू डिस्कस अबाउट द लेबल डायग्राम ऑफ द नेफेलिन कैल्सिलाइट सिलिका। सो नेफेलिन कैल्सिलाइट सिलिका जो आपका डायग्राम सिस्टम है उसके बारे में आपको बताना है, और उसका जो प्रेशर दिया है वो 1 atmosphere दे दिया गया है, एंड ड्राई मीन्स वो हाइड्रस नहीं है, वो ड्राई और 1 atmosphere जो प्रेशर है दोनों के लिए आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। जनरली जो जो आपके बाइनरी से डायग्राम होते हैं या टर्नरी डायग्राम होते हैं वो आपके एक्वस मीडियम में होते हैं, एक्वस या हाइड्रस मीडियम में होते हैं, बट यहाँ पे आपको ड्राई मीडियम में डिस्कस करना है, और उसका जो प्रेशर है वो 1 atm या 1 atmosphere आपको यहाँ पर प्रेशर स्पेसिफाई कर दिया गया है। And you have to also describe the course of crystallization within this system. So, जो नेफेलिन कैल्सिलाइट सिलिका सिस्टम है उसमें जो क्रिस्टलाइजेशन विद इन दिस सिस्टम टेकिंग टू इनिशियल मेल्ट, किन्हीं दो इनिशियल मेल्ट्स को आपको लेकर के कॉम्पोजिशन का वन लाइंग विद इन द सिलिका ओवर सेचुरेटेड पार्ट। सो सिलिका का जो ओवर सेचुरेटेड पार्ट है, जो सिलिका ओवर सेचुरेटेड पार्ट है उसमें का एक मेल्ट होना चाहिए, एंड अदर विद इन द सिलिका अंडर सेचुरेटेड। ओके, सो सिलिका एक्सेस और सिलिका लो दोनों के पार्ट से एक एक जो आपको मेल्ट है वो लेकर के डिस्कस करना है, वन लाइन विद इन द सिलिका ओवर सेचुरेटेड पार्ट एंड अनदर वन लाइन अंडर द सिलिका सेचुरेट अंडर सेचुरेटेड पार्ट। सो दोनों के बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस करना है, एंड ब्रीफली स्टेट द पेट्रोजेनेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सिस्टम। ओके, सो इस सिस्टम का जो पेट्रोजेनेटिक एप्लीकेशन है जिसको पेट्रोजेनेटिक सिग्निफिकेंस है इसके बारे में भी आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। सो लेंदी क्वेश्चन है, बट अगर आप एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बट अगर आप लेंदी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो देन आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। गिव
कंसाइज अकाउंट ऑन द पेट्रोजेनेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेनाइट्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेनाइट्स की जो पेट्रोजेनेसिस है इसके बारे में आपको डिफाइन करना है, इसके बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करना है। ओके, वो क्लास वन ग्रेनाइट वन टाइप की हो सकती है, टू टाइप की हो सकती है, थ्री टाइप की हो सकती है। तो तीनों टाइप की ग्रेनाइट्स के बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना। द टाइप्स ऑफ ग्रेनाइट्स, जैसा कि इसमें दिया ही हुआ है कि द पेट्रोजेनेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेनाइट्स, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। शॉर्ट नोट में जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, व्हाट इज परथाइट, परथाइट के बारे में आपको डिस्कस करना है। एंड यू हैव टू प्रोवाइड अ लेबल्ड स्केच ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ परथाइट्स। तो डिफरेंट टाइप्स के जो परथाइट हैं उसके बारे में आपको भी डिस्कस करना है। वो परथाइट हो सकता है, एंटी परथाइट हो सकता है। लेबल डायग्राम से आप पहले बताइए कि कौन सा अंडर रहता है, मीन्स कौन सा पेरिफेरी पे रहेगा, ऑर्थोक्लेज या ऑर्थोक्लेज मीन्स सोडिक प्लेजियोक्लेज रहेगा या कैल्सिक प्लेजियोक्लेज रहेगा, और कौन सा सेंटर में रहेगा, कौन सा पेरिफेरी पे रहेगा, दोनों के बारे में आपको डिस्कस करना है। यू हैव टू ऑल्सो एक्सप्लेन द जेनेसिस ऑफ परथाइट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल फेज डायग्राम। ओके, सो फेज डायग्राम के हेल्प से आपको जो परथाइट की जो जेनेसिस है इसके बारे में आपको भी बताना है। व्हाट इज मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन, मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन के बारे में बताना है। एंड एक्सप्लेन ब्रीफली द क्रिस्टल सेटिंग एंड लिक्विड इमिसिबिलिटी। सो क्रिस्टल सेटलिंग और लिक्विड इमिसिबिलिटी है, इसके बारे में अभी आपको बताना है। एंड यू हैव टू आंसर विद सुटेबल स्केचेस। सो स्केचेस को ड्रॉ करने के बाद आपको इसको डिफाइन करना है, लिक्विड इमिसिबिलिटी और क्रिस्टल सेटलिंग को। नेक्स्ट जो आपका कह रहा है लार्ज इग्नियस प्रोविंसेस LIP के बारे में आपको डिस्कस करना है विद राइट ब्रीफली ऑन द लार्ज इग्नियस प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। सो इंडिया का जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे लार्ज इग्नियस प्रोविंस है LIP, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट LIP है, दैट इज ऑफ डेकन ट्रैप। आप डेकन ट्रैप के बारे में डिस्कस कर सकते हो, राजमहल ट्रैप्स के बारे में डिस्कस कर सकते हो। दीज आर वन ऑफ द टू मेजर लार्ज इग्नियस प्रोविंसेस ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इंडियन पेनिनसुला यू कैन अगर, बिकॉज ऑल दीज LIPs दे आर अकरिंग ओनली इन द पेनिनसुलर इंडिया। ओके, नेक्स्ट वन इज सेक्शन ई, दैट इज डेडिकेटेड टू द मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज डीलिंग विद द डिस्कस द टाइप्स ऑफ इस्कॉन एंड देयर मिनरल असेंबलीज। जो इस्कॉन है उसके बारे में आपको बताना है, हाउ दे आर बीइंग फॉर्म्ड, सॉरी स्पेशली ऑफ टाइप्स ऑफ इस्कॉन एंड देयर मिनरल असेंबलीज, कि कौन कौन से मिनरल्स उसमें अकर करते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। यू हैव टू ऑल्सो एक्सप्लेन द रिएक्शन बाई विच इस्कॉन मिनरल्स आर फॉर्म्ड। सो जो रिएक्शन से इस्कॉन मिनरल फॉर्म होते हैं इसके बारे में भी आपको यहाँ पे बताना है। लार्ज क्वेश्चन है, 15 मार्क्स क्वेश्चन है, सो आपको उस हिसाब से आपको डिफाइन करना पड़ेगा। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द डिफरेंट पार्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्नोकाइट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्नोकाइट्स के बारे में आपको बताना है। एंड देयर ओरिजिन मीन्स हाउ दे आर बीइंग ओरिजिनेटेड, दैट यू हैव टू डिस्कस। एंड यू हैव टू ऑल्सो एड अ नोट ऑन द इंसिपिएंट चार्नोकाइट्स, यू हैव टू एड अ नोट ऑन द इंसिपिएंट चार्नोकाइट। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी आया नहीं हुआ, ये पहली बार आपके सिलेबस में क्वेश्चन मींस मॉडिफाइड सिलेबस में ये इंक्लूड हुआ है। तो 2020 में तो नहीं आया था, 21 में क्वेश्चन आया हुआ इस तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट अ नोट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ एल्यूमिनो सिलिकेट्स। जो एल्यूमिनो सिलिकेट्स पॉलीमॉर्फ है उसकी स्टेबिलिटी के बारे में आपको बताना है। एंड देयर अक्रेंस इन द मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो मेटामॉर्फिक रॉक्स में एल्यूमिनो सिलिकेट्स पॉलीमॉर्फ में आपको कौन कौन से हैं, कायनाइट है, एंडोलोसाइट है और सिलेमेनाइट है। ओके, सो कायनाइट, एंडोलोसाइट, सिलेमेनाइट, इन तीनों के बारे में आपको बताना है, उसकी स्टेबिलिटी और देयर अक्रेंसेज इन द मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स में वो कहाँ कहाँ अकर करते हैं या कैसे किस किस टेम्परेचर प्रेशर पे अकर करते हैं, ये आपको बताना है। यू हैव टू डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ प्रोग्रेसिव रीजनल मेटामॉर्फिज्म और द मैफिक रॉक्स। सो मैफिक रॉक्स पे जो प्रोग्रेसिव रीजनल मेटामॉर्फिज्म है उसके इफेक्ट के बारे में आपको डिटेल में बताना है यहाँ पे। यू हैव टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द जियो थर्मोबैरोमीट्री एप्लीकेबल टू द मेटामॉर्फिक रॉक्स विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। सुटेबल एग्जाम्पल्स में आपको जो इस रिएक्शंस हैं उसको बताना होगा। ओके, कि कैसे कैसे रिएक्शन अकर करती है। सो जियो थर्मोबैरोमीट्री को कैसे हम एप्लीकेबल है टू मेटामॉर्फिक रॉक्स विद सुटेबल एग्जाम्पल, दैट वी हैव टू डिस्कस। नेक्स्ट वन इज सेक्शन एफ, दैट इज डीलिंग विद द
जियोडायनामिक्स ऑन फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन. सो कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन के बारे में आपको डिस्कस करना है. थ्री टाइप्स ऑफ प्लेट मार्जिन आर देयर. वन इज कॉन्स्ट्रक्टिव, अनदर इज डिस्ट्रक्टिव, और जिसको हम कन्वर्जन टू डाइवर्जन कहते हैं, एंड थर्ड वन इज कंजर्वेटिव, या इसी को हम स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, जो स्ट्राइक स्लिप मूवमेंट है उससे जो बनने वाली मार्जिन है, जो प्लेट मार्जिन है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है. वी हैव टू ऑल्सो डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड ओशियानिक ट्रांसफॉर्म्स. सो जो ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल ट्रांसफॉर्म्स हैं उसके बारे में भी आपको बताना है. इलस्ट्रेट योर आंसर विद द सुइटेबल स्केचेस एंड एग्जाम्पल्स. ओके, सो आपको जो सुइटेबल एग्जाम्पल्स हैं इसके बारे में आपको बताना है. सुइटेबल एग्जाम्पल्स के बेसिस पे आपको इसको डिफाइन करना है. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज अ सुपर कॉन्टिनेंट. सो सुपर कॉन्टिनेंट कौन सा है, सुपर कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, ये आपको पहले बताना है. देन एक्सप्लेन सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल एंड इट्स रोल इन द क्लाइमेट चेंज एंड सी लेवल फ्लक्चुएशन और सी लेवल चेंजेस. सो सुपर कॉन्टिनेंट के बारे में आपको बताना है. सबसे जो यंगेस्ट सुपर कॉन्टिनेंट है दैट इज पांजिया, एंड उससे पहले के भी जो आपके रोडिनिया है, ऊर है, वालबारा है, पानोसिया है, इसके बारे में आपको सबको एक ऑर्डर में आप पहले एक टेबल से बता सकते हो सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल्स को. देन आपको सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल को एक्सप्लेन करना है एंड इट्स रोल इन क्लाइमेट चेंज. सो क्लाइमेट चेंज और सी लेवल फ्लक्चुएशन में सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल का क्या रोल है, इसके बारे में भी आपको यहाँ पे डिस्कस करना है. जो आपका सॉर्ट टाइप है उसमें क्यू ब्रीफ अकाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेमिनेंट मैग्नेटिज्म इन रॉक्स. सो रॉक्स में जो रेमिनेंट मैग्नेटिज्म है, दो तीन तरह के आपके मैग्नेटिज्म है, जिसमें आपका रेमिनेंट मैग्नेटिज्म है, नेचुरल मैग्नेटिज्म है, नॉर्मल मैग्नेटिज्म है. इस सो के आपको रेमिनेंट मैग्नेटिज्म रॉक्स में जो है उसके बारे में आपको बताना है. नेक्स्ट वन इज डीलिंग विद द ब्रीफली एक्सप्लेन ब्रीफली द मैकेनिज्म ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग. सो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग की मैकेनिज्म के बारे में आपको यहाँ पे बताना है. गिव अ शॉर्ट नोट ऑन द हीट फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन इन ओशियन ओशियानिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. सो ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल दोनों क्रस्ट में आपको जो हीट फ्लो मूवमेंट है या हीट फ्लो का जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्टार्टिंग फ्रॉम क्रस्ट देन मेंटल देन कोर, तो आपको तीनों लेयर्स के बेसिस में, तीनों लेयर्स में कैसे कैसे हीट फ्लो का मूवमेंट है या हीट फ्लो का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको बताना है ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल दोनों क्रस्ट में. सो ये आपका क्वेश्चन नंबर सॉरी पेपर नंबर टू हुआ. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द जियो हाइड्रोलॉजी. As you would have seen that in the 2021 exam there was no seat for geologist, the only seat of that was for hydrogeologist in geology medium. Okay, so next video we will meet with the geohydrology section. Okay, thank you.